मिलती है और ना ही दवाई मिलती है। 5 दिन तो मंडी वैसे बंद कर दी, किसान को दुखी कर रखा है। रतिया में ये भगत सिंह चौक पे धरना दे रखा, जिम्मेदारा ने दुखी हो रहे। सुबह 3 बजे आके बैठते, ना चाय नहीं पानी नहीं, बहुत दुखी है सर। जिस किसान पर धरती का सीना चीरकर फसल उगाने और देश का पेट पालने की जिम्मेदारी है, वो किसान पिछले कई दिनों से डीएपी खाद के लिए मारा मारा फिर रहा है, धरना दे रहा है, जाम कर रहा है। फसल उगाने के लिए खेत में खाद न मिल पाने से किसान लाचार है। दिन निकलने से पहले ही सरकारी गोदामों के आगे इस उम्मीद से किसान रोज घंटों बैठता है कि शायद आज उसे खाद मिल जाए और वो अपने खेत की मिट्टी में उसे मिलाकर फसल पैदा कर सके। लेकिन प्रदेश के बड़े हिस्से में किसानों के हाथ निराशा ही लग रही है। नारनौल दादरी के बाद अब फतेहाबाद के रतिया उपमंडल में भी किसानों ने थकार कर जाम लगाने को ही अपना आखिरी चारा समझ लिया। बड़ी गिनती में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर रतिया के भगत सिंह चौक पर जाम लगाकर आवाजाही ठप कर रहा है। गुस्साए किसान सरकार और आला अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सड़क पर ही बैठ गए और खूब नारेबाजी की। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उन्हें खाद नहीं मिल जाती, वो यहां से जाने वाले नहीं है। सरकार ने हमें दुखी कर रखा किसानों, ना टाइम पे खाद मिलती है और ना ही दवाई मिलती है। 5 दिन तो मंडी वैसे बंद कर दी, किसान को दुखी कर रखा है। त्योहार का टाइम था, दीपावली पे इन्होंने कोई खरीद नहीं करी, बहुत दुखी है किसान। ना इसको टाइम पे खाद मिल रही है ना कुछ। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी हम धरना दे रहे हैं, हमें डीएपी खाद चाहिए, हमारा वत्तर सुकन लग रहा है। कहाँ धरना दिया, क्या मांग है? रतिया में ये भगत सिंह चौक पे धरना दे रखा, जिम्मेदारा ने दुखी हो रहे। सुबह 3 बजे आके बैठते, ना चाय नहीं पानी नहीं, बहुत दुखी है सर। डीएपी के लिए भाई साहब आज 5 दिन हो गए लगातार सुबह सुबह आ रहे हैं, हम 4 बजे आते हैं और 10 बजे चले जाते हैं। कितने आएगी आएगी उसके बाद आती नहीं। रोजाना ये रोजाना धरना तो आ दिया भाई साहब, लाइन में रोजाना लगते हैं हम। कोई कार सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई भाई साहब, इसीलिए तो ये धरना लगाया गया है। हमारे को डीएपी चाहिए। क्या मांग है? मांग है डीएपी चाहिए हमारे को भाई साहब। कब तक धरना रहेगा? धरना जब तक हमारे को संतुष्ट ना किया जाए या हमारे को डीएपी ना मिले तब तक ये धरना जारी रहेगा। डीएपी खाद की कमी दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है। मुख्यमंत्री के जल्द खाद पहुंचाने का दावा भी अभी तक मात्र आश्वासन ही साबित हुआ है। किसान सड़क पर उतरने को मजबूर है, खेत बिना खाद के खाली हैं और प्रशासन भी लाचार है। ऐसे में अब सभी की निगाहें उन पीले कट्टों की तरफ हैं जो सरकार, किसान और प्रशासन की जान में जान डाल सकते हैं। वो पीले कट्टे किसानों को कब नसीब होंगे, प्रदेश में जाम और प्रदर्शन का सिलसिला कब थमेगा, इसका उत्तर देने वाले भी फिलहाल निरुत्तर दिखाई दे रहे हैं। रतिया से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।